तो आइए सीखते हैं सबसे पहले अबेकस को यूज करने का तरीका। ये स्टूडेंट अबेकस है 17 नोट्स का। तो इसमें देखिए बीट्स जो है ऊपर नीचे हैं, है ना। सबसे पहले तो आप अबेकस को होल्ड कैसे करेंगे, तो अगर हम राइट हैंड यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड से अबेकस को होल्ड कर लेंगे। सबसे पहले तो अबेकस को होल्ड करते हैं एक हाथ से, क्योंकि अबेकस को यूज दोनों हाथ से करना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि अबेकस ऐसे यूज करते हैं विदाउट अबेकस को पकड़े, तो उसमें क्या होता है अबेकस ऐसे हिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अबेकस को हमें एक हाथ से होल्ड कर लेना है। अब इसमें बीट्स देखिए सब ऊपर नीचे हैं, सब सारी बीट्स ऊपर नीचे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको सेट जीरो करना होता है। सेट जीरो करने के लिए करते क्या है, सबसे पहले इसको देखिए वर्टिकल ऐसे कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सभी बीट्स नीचे हो जाती हैं। नहीं हो गई तो फिर से कर लेते हैं। अब देखिए नीचे वाली तो सब नीचे हो गई, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाली ऊपर वाली बीट्स हैं ये इस आंसर बार पे टच हो रही हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम थंब और इंडेक्स को ऐसे ज्वाइन करके और इस तरह से स्लाइड कर देंगे तो ये बीट्स सब ऊपर हो गई हैं। अब कोई भी बीट्स ये टच नहीं कर रही, ये अबेकस है, ये यूनिट प्लेस है। देखिए 1 2 3 4 5 फाइव डॉट्स हैं वाइट, तो इसमें ये यूनिट प्लेस है सेंटर वाला। इसी पे यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और ये सारी बीट्स ऊपर ब्लू कलर की, ये अपर बीट्स हैं और ये सारी लोअर बीट्स हैं। लोअर बीट्स की वैल्यू 1 होती है और अपर बीट्स की वैल्यू 5 होती है। एंड दिस इज आंसर बार, ये जो बीच वाली रॉड है ये आंसर बार कहलाती है। आंसर बार मीन्स क्या हुआ, जब भी कोई बीट्स इस पे टच करेगी देन द वैल्यू कम्स, अदरवाइज दिस इज जीरो, दिस पोजिशन इज कॉल्ड जीरो। बिकॉज यहां पे जीरो क्यों है, क्योंकि कोई भी बीट्स अभी ये आंसर बार पे टच नहीं कर रही है। ओके, तो बीट्स को अप करने के लिए थंब यूज करेंगे और बीट्स को डाउन करने के लिए इंडेक्स यूज करेंगे लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 करना एक साथ, दिस इज 6। एट करना है, दिस इज 8। ओके, सेट जीरो करना है, बीट्स ऊपर नीचे हो गई है, सेट जीरो करना है, अगेन सेट जीरो, दिस इज सेट जीरो,